क्या आप 18 प्लस हो या 20 प्लस हो, आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, आप परेशान हो, आपको क्या करना चाहिए? हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते? या फिर कुछ लोग 20 के ऊपर हो जाते हैं, 25 के हो जाते हैं, लेकिन उनको हाइट बढ़ानी थी, पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब किसी ऐसी फील्ड में होते हैं जिसमें उनकी लंबाई चाहिए होती है, अच्छी हाइट चाहिए होती है, लेकिन उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकते, या क्या करना चाहिए? इसके बाद भी कोई ऑप्शन है तो क्या करना चाहिए उनको? या फिर कुछ लड़कियों के छोटी छोटी बच्चे होते हैं, उनके पीरियड्स आने लगते हैं, उनकी मम्मी परेशान हो जाती है कि पता नहीं पीरियड्स के बाद तो हाइट बढ़ती है नहीं बढ़ती है, अगर बढ़ती है चलो ठीक है बढ़ती है तो, लेकिन अगर नहीं बढ़ती है तो हाथ पे हाथ रख के थोड़ी बैठ सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? अगर हाइट बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? ऐसी क्या चीज़ें हैं? आज की वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि अगर 20 प्लस भी आप हो चुके हैं तब भी आप हाइट बढ़ा सकते हो नेचुरल तरीके से, अपने घर पे बैठ के, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमन चौहान और मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। तो आइए आज जानते हैं इस वीडियो में कि हाइट इंक्रीज करने के लिए क्या करें नेचुरली। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रही हूँ जिसको करके आप घर पर ही नेचुरल तरीके से अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग इस टेक्निक पे यकीन कर लेंगे लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। अगर आप विश्वास के साथ किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं जो विश्वास के साथ फॉलो करते हैं, लेकिन जो विश्वास ही नहीं करते, जो मानते ही नहीं है और उसमें आगे नहीं जाते, तो उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए, वो कहते हैं ना कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो ये सच बात है। अगर आप विश्वास के साथ कोशिश करते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है, और इसलिए आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर पॉसिबल है तो इसलिए आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि अगर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होती, अपनी वीडियोस में मैं ऐसी कोई बात आपको बताती नहीं, ना ही कोई ऐसी एक्सरसाइज बताती हूँ जो कि काम ना करे। जो भी मेरे सब्सक्राइबर है या मेरे व्यूवर्स हैं वो सब जानते हैं। तो आज मैं बताने जा रही हूँ ऐसी टेक्निक, चाहे आप 15 के हो, 18 के हो या 20 के ऊपर हो चुके हो, लेकिन आप चिंता में हो कि आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, ये कम बढ़ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा तरीका है जिससे आप घर पर ही नेचुरल तरीके से हाइट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाइयाँ तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी। डॉक्टर के पास आप जाके बोली कि हाइट बढ़ानी है, कुछ ना कुछ दवाई तो आपको देकर ही भेजेंगे, लेकिन उनका असर कितना होता है ये आप सबको पता है। और बार बार डॉक्टर के पास जाना, ये किसके पास टाइम है? किसी के पास टाइम नहीं है। फिर अगर चले भी जाए लेकिन असर कितना होता, कोई भी दवाई खा रहे हैं हाइट इंक्रीज करने के लिए तो उसका असर जीरो है। तो इस टेक्निक के ऊपर बात कर लेते कि कैसी ये टेक्निक है और किस तरीके से इसको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी हाइट आपको मेजर कर लेनी है, जितनी भी आपकी बिल्कुल एक्यूरेट हाइट है। ऐसे नहीं कि आपने निशान लगा लिया या दीवार के पास खड़े होकर अंदाजा लगा लिया कि मेरी इतनी हाइट है, अंदाजा नहीं लगाना है, एक्यूरेट मेजर करनी है कि इतने पॉइंट है, इतने पॉइंट है, बस बिल्कुल पॉइंट के हिसाब से आपने बिल्कुल मेजर कर लेनी है और उसको कहीं पे लिख के रख लेना है। कभी आप भूल जाओ, हो सकता है कई लोग भूल भी जाते हैं, तो उसको लिख के रख लेना है। अब करना क्या है, कहीं भी ऐसा स्थान जहाँ पे बिल्कुल शांत रहता हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए, जहाँ पे आप आराम से ये चीजें कर सकते हैं, कोई टोना टोटका नहीं करना है, डरिए मत, बता देती हूँ जल्दी से क्या करना है। एक या तो बोर्ड हो, वाइट बोर्ड हो, या एक सफ़ेद पेपर ले सकते हैं तो वो दीवार के ऊपर लगा सकते हैं। अगर बोर्ड है तो स्केच ले सकते हैं, और अगर पेपर का यूज़ किया तो पेन ले सकते हैं। अब करना क्या है, पहले तो एक पॉइंट लगाना है, और पॉइंट कितना लगाना है अभी लगा के बता देती हूँ। बहुत बड़ा नहीं लगाना है, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, इतना पॉइंट लगाना है, जैसे एक छोटी बिंदी होती है इतना पॉइंट लगाना है, इससे बड़ा नहीं लगाना है। ये पॉइंट आपने लगा दिया और इसके ऊपर एक सर्कल घुमा देंगे, इसके ऊपर एक सर्कल बना देना अपना, बहुत बड़ा सर्कल नहीं बनाना है, बिल्कुल इससे थोड़ा सा बड़ा, ये बन गया है। जहाँ पे पॉइंट लगाया उसके सामने आपने बैठना है या खड़े होना है, आपकी मर्जी है, कुछ भी आप कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट की स्थिति जो आपने लगाई है वो आपसे किस तरह मेल खानी चाहिए, वो आपकी जो ये होती है, आपकी जो आंखें होती है, आईब्रोज होती है, उनके बीच में जो ये होता है जहाँ पे बिंदी लगाती है औरतें, तो यहाँ पे बिल्कुल लाइन में होनी चाहिए, एक लाइन में होनी, जैसे यहाँ पे आपका जो भी बोर्ड है, कुछ भी है, ये सामने है और आप यहाँ पे बैठे हैं, खड़े हैं, तो वो पॉइंट जो है बिल्कुल आपके यहाँ पे लाइन में होना चाहिए। अब ये कर लिया आपने, अब आप क्या करेंगे, अपने पॉइंट की सही स्थिति कर ली, देख भी लिया, अब या तो आप वहाँ पे बैठ सकते हैं या खड़े हैं, जो भी जिस तरीके से भी आप हैं, तो आपने करना क्या है, जब भी आप
आपको ऐसा माहौल लगे कि सब लोग सोए हैं या आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप उस जगह पे बैठ जाइए। उस जगह पे बैठने के बाद आपको उसको 2 मिनट तक बड़े ध्यान से देखना है। 2 मिनट तक बिल्कुल बिना पल के झपकाए आपको उसको देखना है। अब होगा क्या, कुछ लोगों की आँख से पानी आ सकता है, एक दो दिक्कत और हो सकती है, या कुछ लोगों को लगेगा कि वो पॉइंट ही गायब हो रहा है। ऐसे घबराने की कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, क्योंकि जो त्राटक करते हैं ये भी त्राटक का ही एक भाग है, एक पार्ट है, ये समझ सकते हैं। लेकिन ये हाइट इंक्रीज करने के तरीके से आपको समझाया जा रहा है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो करना क्या, उस पॉइंट को 2 मिनट तक कंटिन्यू बिना पलक झपकाए देखना है। आँख से आंसू आ रहे कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। अब क्या करना है, 2 मिनट के बाद आपने उसको कंटिन्यू देखा, पहली पहली बार आपकी पल के झपकेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में आप प्रैक्टिस के अनुसार आपको आदत हो जाएगी। अब 2 मिनट के बाद आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करेंगे तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो आपने वहाँ पे जो पॉइंट लगा रखा उसको कंटिन्यू देखा, 2 मिनट के बाद आँखें बंद कर ली, वो पॉइंट आपको यहाँ पे नज़र आएगा। नज़र आने के बाद आपको उस पॉइंट पे ध्यान लगाना है, कम से कम 5 मिनट तक उस पॉइंट पे ध्यान लगाना है। पहली बार में ध्यान इधर उधर जाएगा तो कोई दिक्कत, लेकिन ध्यान रखिए कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई ऐसी आवाज़ बाहर से ना आए, कोई शोर ना करे। ऐसे टाइम पे आप बैठे कि शोर सार बहुत ज़्यादा कम हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। पहले टाइम में आप 5 मिनट के लिए, 2 मिनट आपने देखा, 3 मिनट के लिए आँखें बंद कर ली, धीरे धीरे करके आप टाइम बढ़ा सकते हैं। और ये आपको कब तक करना है, आपको महीना 2 महीना तो आपको कंटिन्यू करना है, और एक ही टाइम पे करना है। जैसे आप आज आपने इस टाइम किया, अगले दिन भी आप इसी टाइम करेंगे, अपना टाइम बांध लें। अब इससे होगा क्या, तो इसके पीछे की साइंस क्या है, बिना साइंस जाने, बिना लॉजिक जाने इसके पीछे का लोग विश्वास कैसे करेंगे। तो साइंस इसके पीछे ये है, अगर हम यहाँ से एक लाइन बिल्कुल बीचों बीच डाले, यहाँ से ऐसे, और एक लाइन हम यहाँ से डालें, हमारा जो सर होता है उसके बीचों बीच लाइन डालें, तो ये जो दोनों लाइन जहाँ पे क्रॉस करेंगे, ऐसे क्रॉस करेंगे कहीं पे जाके, वो हमारे सर के बीच में करेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ये तो बहुत सारे लोगों को पता होगा। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का यहाँ पे क्या मतलब है, हाइट इंक्रीज करने में। देखिए, जो ये हम काम कर रहे हैं, पॉइंट को देख के आँखें बंद कर रहे हैं, ये एक तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए किया गया है। अब आप कहेंगे कि ये तो ध्यान में करते हैं, मेडिटेशन में करते हैं, त्राटक है ये एक तरीके से, तो इसका क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा इसका ये होगा कि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्टिवेट नहीं होती है। एक्टिवेट क्यों नहीं होती है, क्योंकि हम सारा दिन बिजी रहते हैं और क्या करते हैं, गलत चीज़ें खाते पीते रहते हैं, गलत मन में विचार आ जाते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें खाते हैं, गुस्सा करते हैं, गलत आदतों में पड़ भी जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और सोते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, जो उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है बहुत ही ज़्यादा डीएक्टिवेट हो जाती है। उसकी वजह से जो हार्मोन इंक्रीज होने चाहिए वो नहीं होते, जो प्रॉपर मात्रा में हार्मोन निकलने चाहिए जैसे आपकी हाइट इंक्रीज करने के लिए, तो वो नहीं निकल पाते, उसकी वजह से उनकी हाइट रुक जाती है। तो तब आपने क्या करना है, कौन सा मेथड, ये मेथड है उस पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए। जो भी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, या 20 के भी ऊपर हो चुके हैं लेकिन उनकी हाइट नहीं बढ़ी है, तो तब भी ये कर सकते हैं, तब भी ये असरदार है। उनके हार्मोन इंक्रीज होंगे, हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है, ग्रोथ हार्मोन निकालती है, तो ग्रोथ हार्मोन अगर आपके निकलने शुरू हो जाएंगे तो आपकी हाइट बढ़नी शुरू हो जाएगी उसी दिन से, और कम से कम 1 इंच से लेके 2 इंच तक तो बढ़ ही जाएगी, ये गारंटी की बात है 100%। लेकिन टेक्निक आप कितनी सही करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपने टेक्निक सही कर ली 1 से 2 महीने के अंदर, आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैडम मेरी हाइट बढ़ गई है, आप खुद बताएंगे, लेकिन टेक्निक आपको सही करना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि इस टेक्निक को करके तो जो 50 प्लस के लोग हैं या 60 प्लस के लोग हैं, 50-60 की उम्र के लोग हैं, तो वो भी हाइट बढ़ा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे क्या होता है, अगर हम मेडिटेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक्टिवेट तो हो जाती है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें कोशिश करनी पड़ती है। जैसे छोटे बच्चे हैं, 15-20 साल के बच्चे हैं, या 30 की उम्र के जो लोग हैं, यंग लोग हैं, तो उनकी जो ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है तो वो एक्टिवेट जल्दी होती है। बच्चों की तो बहुत जल्दी होती है, बड़ों की थोड़ी कम होती है, जो यंग होते हैं, 30 की उम्र के होते हैं, 35 की उम्र के होते हैं, अच्छा जो 50 की उम्र के चले जाते हैं उनकी बहुत देर में होती है, बहुत ज़्यादा देर लगती है एक्टिवेट होने में।
और अगर उनकी, जैसे जो लोग मेडिटेशन करते हैं, एक्टिवेट हो भी जाती है तो मन में अच्छे विचार आने लगते हैं, मेमोरी इंक्रीज हो जाती है। सबके साथ ऐसे ही होता है, लेकिन 50-60 की उम्र में उनको हाइट इंक्रीज करने की ज़रूरत तो होती नहीं है। फिर अच्छे विचार आते हैं, वो लोगों को समझाने लगते हैं, अच्छे काम करने लगते हैं, अच्छी चीज़ों में अपना मन लगाने लगते हैं, और उस टाइम पे पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं तो वो ग्रोथ हार्मोन बहुत कम रिलीज होता है। इस वजह से उस उम्र में हाइट नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन हाँ कम उम्र के हैं तो ज़रूर आपकी हाइट बढ़ सकती है। और इस टेक्निक के साथ में और चीज़ें क्या आपको ज़रूर करनी चाहिए, वो ये है कि आपको हमेशा सीधे सोना है। सीधे मतलब दाएं बाएं करवट बहुत कम सोए, सीधे सोए, और पैर के ऊपर पैर चढ़ा के कभी ना सोए, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ है खाने पीने में जो भी कैल्शियम रिच फूड होते हैं, जैसे फ्रूट है, केला है, जितनी भी वेजिटेबल है, ग्रीन वेजिटेबल, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। और क्या करना है, जैसे रागी होती है, रागी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो रागी का आटा भी खा सकते हैं। रागी की जो भी डिश आप बना के खा सकते हैं, खाइए, उसको खाइए, लेकिन दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, सप्लीमेंट बिल्कुल ना लें। कैल्शियम का सप्लीमेंट लेंगे तो बहुत ज़्यादा गलत है वो, तो जितना भी कैल्शियम रिच फूड है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। अच्छा, इसके साथ में कुछ एक्सरसाइज भी करें, जैसे लटकने वाली एक्सरसाइज है, ऐसे पकड़ के लटकते हैं तो वो ज़रूर करें। उससे क्या होता है, जो धरती के ऊपर हम चलते हैं तो ग्रेविटी हमें नीचे की तरफ खींचती है, लेकिन जब हम ऊपर लटक जाते हैं तो ग्रेविटी तो हमें खींच रही है, ग्रेविटी खींचने की कोशिश करती है, तो उससे होता क्या, हम ऊपर की ओर लटक रहे हैं, ग्रेविटी खींच रहे हैं, तो यानी कि हमारी बॉडी ऐसे खींच रही है, हम ऊपर की ओर जोर लगा रहे हैं और ग्रेविटी नीचे की ओर जोर लगाती है। तो ये भी आपने लटकने वाली रोज प्रैक्टिस करें, रोज आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ में कुछ स्ट्रेचेज एक्सरसाइज कर लें, और मैं भी अपनी वीडियो में आपको बता दूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँ कि कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए हाइट इंक्रीज करने के लिए। तो ये चीज़ें आप एक साथ करें और ज़रूर आपकी हाइट इंक्रीज होगी, रिजल्ट आपको बहुत जल्द मिलेंगे, जितनी आपकी कम उम्र है उतने ही रिजल्ट आपको बहुत बहुत जल्दी मिलेंगे। तो आज इतना ही फ्रेंड्स, इस टेक्निक को करके देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर रिप्लाई करना, और कोई भी आपकी क्वेरीज हो, कुछ भी आपको पूछना तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और आज इतना ही, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर जरूर करना, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।